हैं, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो टेक फन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी कोई सी भी ईमेल, आप हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर, सॉरी कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हो आपकी ईमेल, जो भी आप कोई सी ईमेल अगर मेरे पुराने उसके अंदर आई थी, पुराने चैनल के अंदर, तो इसको मैं को इंग्लिश में, अब मेरे को इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करनी है, तो मैं इसको कैसे करूँ? तो आपको सबसे पहले आपका ये रिप्लाई वाला आइकन रहता है, इस रिप्लाई वाले आइकन के साइड में आपका मोर वाला ऑप्शन रहेगा, मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है फटाफट। और फिर उसका थर्ड ऑप्शन रहता है आपका ट्रांसलेट मैसेजेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक इंग्लिश और ये ऑप्शन आ जाएगा, ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आप कोई सी भी लैंग्वेज अपना, जैसे ये लैंग्वेज, इस वाली लैंग्वेज के अंदर आपका ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब ये चाइनीज के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। ये यहाँ पे इंस्टॉल होएगा, इंस्टॉल इसमें थोड़ा टाइम लगाएगा, बस उसके बाद टाइम लगाएगा। जैसे अब मैंने इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर लिया, बहुत लोगों को ऐसा मालूम नहीं रहता इंग्लिश पढ़ना, तो उनके लिए वो ज़्यादा आसान है। मतलब कोई कोई कभी कभी ऐसा रहता है कि किसी को इंग्लिश नहीं याद और वो तमिल है, मतलब तेलुगु उनको पढ़ना याद है, सब चीज़ याद है, तो उसके अंदर उनको ट्रांसलेट करना रहता है, तो उसके अंदर पढ़ना आसान रहेगा उनको। अब जैसे गुजराती के अंदर, तो आप इसके अंदर कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हो, सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अंदर सारी की सारी लैंग्वेज है, तो यहाँ से आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे उर्दू के अंदर ट्रांसलेट, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आप आपकी कोई सी भी ईमेल आप बहुत ही आसान है, आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, एक सेकेंड, व्यू ओरिजिनल लैंग्वेज F5। अगर आपको आपके जो आइकन वापस लेके आना है, तो आप F5 क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, ये आपकी इंग्लिश के अंदर वापस आ जाएगी। तो उसका एक बार बता देता हूँ, मोर के ऊपर जाना है, एक सेकेंड, ये F5 वापस, दो सेकेंड टाइम लगाता है, ट्रांसलेट मैसेज, ये आपका ट्रांसलेट, मतलब यहाँ पे फिर उसको तो आपका आइकन हमेशा परमानेंट यहाँ पे रहेगा, तो आप यहाँ से आप फिर उसको तो आपकी कोई सी भी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। तो देखा आपने कितना आसान है आपका आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, या कोई सी भी लैंग्वेज, गुजराती मराठी तेलुगु, सबके अंदर आप कैसे आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।